तो ये देख रहे अब क्या व्यू है यार, एक तो नीचे से रोड जा रही है क्रशल वाली रोड उसे कहते हैं। तो ये देख रहे अब ये जो सारा एरिया है ना, ये है ये टांडकोट का एरिया है। हे वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स अभी हम आए हैं यार दरहाल की तरफ, रकीबा में, वहीं पे रात को स्टे करेंगे। तो वहाँ पे आपको कल्चर बताएंगे यार, गांव का कल्चर कैसा होता है, वहाँ पे स्प्रिंग बताएंगे आपको, वहाँ पे जितनी भी धान काट रहे हैं ना वो बताएंगे। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पे साईगंजी बाबा जी की ज्यारत के पास, थोड़ा सा ही टॉप पे हूँ। तो यहाँ का व्यू पीछे देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त व्यू है। और भाई साहब अभी तो फसल कटाई का सीजन स्टार्ट है, कहीं जगह घास काट रहे हैं, कहीं जगह मक्की काट रहे हैं, कहीं जगह धान काट रहे हैं भाई। तो चलिए फिर व्लॉग को करते शुरू करने से पहले एक ही बात करना चाहूँगा, जो भी मेरे चैनल पे नया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि मैं नहीं आने वाले वीडियो सबसे पहले आ सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड तो देख सकते हैं अब ये जो गुजर बकरवाल है ना, ये मूव हो रहे हैं हिली एरिया से प्लेन एरिया में, क्योंकि यार वहाँ पर अब स्नो होने वाली है। तो इसीलिए ये देख रहे हैं अब ये हैं, इनके घोड़े यहीं पर रुक चुके हैं, मुझे लगता है यहीं पर रुकेंगे यहीं पर। तो अभी हम पहुँच चुके हैं दरहाली ब्रिज के पास। तो आज हम जा रहे हैं, हमने दरहाली मोड़ क्रॉस किया, तो आज हम जा रहे हैं यार दरहाल में, रकीबा में जा रहे हैं। तो वहाँ की आपको लाइफ के बारे में बताएँगे यार, मीन्स गाँव की लाइफ कैसी होती है, हिंदी लोग होते हैं भाई गाँव के। यहाँ पर ये देख रहे हैं मक्की भी काट रहे हैं। तो भाई बने रहिए हमारे साथ, जो भी मेरे चैनल पे नया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा लें कि हर एक आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और अब यहाँ पे कुछ हैं ब्लाइंड कर हुए ऐसे ऐसे सौंप की तरह बने हुए हैं। तो हम अभी यहाँ से जा रहे हैं ऊपर की तरफ, ज्यारत आएगी साईं गंजी बाबा जी की ज्यारत, वहाँ से होके हमें जाना है। तो भाई बहुत ही प्यारा मुल्क है भाई, क्या बताएं आपको, फिर आगे कोई दिखता भी नहीं है। ये रोड पहले बहुत ही क्लोज होती थी, अब इन्होंने मतलब थोड़ी सी खुली की है इसको, क्योंकि यहाँ पे ना यार दो जो कहते हैं ना बड़ी बात, वो एक्सीडेंट हुई तो उसकी वजह से फिर इस रोड को थोड़ा सा खोला उन्होंने, वरना बहुत ही मुश्किल से जो बस थी ना वो गुजरती थी। तो भाई तो आज कल ना फसल कटाई का काम चल रहा है, तो भाई बहुत ही प्यारा मौसम होता है ये वाला। तो ये देख रहे आप कई जगह से इन्होंने घास काट दिया, कई जगह से नहीं काटा, बांध के भी रख दिया भाई। अगर बारिश हो जाए तो ये जितना भी घास है ना ये सभी लास्ट नुकसान हो जाता है, इसमें पानी पड़ने की वजह से ना जो घास ख़राब हो जाता है, मक्की जितनी भी काटी होती है वो ख़राब हो जाती है। तो यहाँ से हमें देख के चलना होगा, क्योंकि भाई कभी आगे से गाड़ी आ सकती है। तो भाई हमने जो लास्ट टर्म था वो हमने क्रॉस कर लिया। तो यहाँ पर देख रहे अब कितना ज़बरदस्त ऊपर से टॉप से दिख रहा भाई, मतलब रोन की जगह रोन जैसे कहते हैं ना पहाड़ी में, रोन की जगह वही है सीन है जी, रोन की जगह मीन सब एरिया दिखता है यहाँ से। तो इसी को कहते हैं भाई खूबसूरती। सो गाइस तो अभी हम टॉप पे पहुँच चुके हैं, तो ये देख रहे हैं आप अभी हम पहुँच चुके हैं भाई साहब टॉप पे, क्या व्यू है यहाँ से, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह की कुदरत को देखें। जो पीछे पहाड़ियाँ देख रही हैं ना अब वहाँ पे हो जाएगी स्नो हो जाएगी, क्योंकि कुछ महीनों के बाद मीन्स हार्डली अगर अक्टूबर लग गया ना नवंबर में हो जाएगी वहाँ पे स्नो हो जाएगी टॉप पे, तो ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो उन पहाड़ियों पे मैं जा चुका हूँ यार, इतनी ज़बरदस्त पहाड़ी है वहाँ के, लेक्स क्या लेक्स हैं वहाँ के, क्या वहाँ पे। तो यहीं पर रुकते हैं, चलिए आपको बताते हैं यहाँ का थोड़ा सा व्यू भाई साहब। भाई साहब ये देख रहे हैं अब अभी हम हैं इस टॉप पे, तो ये देख रहे अब क्या व्यू है यार, एक तो नीचे से रोड जा रही है क्रशल वाली रोड उसे कहते हैं। तो ये देख रहे अब ये जो सारा एरिया है ना ये है टांडकोट का एरिया है। तो नीचे आ गया चौधरी नार ऐसे कुछ एरिया आ गया। तो पीछे व्यू देखिए माशाल्लाह क्या व्यू है, चलिए व्लॉग को करते हैं शुरू फिर हम जल्दी से। गाइस तो आप देख सकते हैं अभी हम हैं ऊपर वाली रोड पे, एक तो नीचे से रोड जाती है यार वो बहुत ही गंदी है, तो ब्लैक टॉप की थी फिर वो मीन्स ख़राब हो गई। तो भाई ये देख रहे हैं अब क्या व्यू है यार, इतना लंबा चक्कर हमें काटना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो यहाँ से देख सकते हैं अब यार पीछे वाला कितना व्यू पूरा दिख रहा है, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त जगह है दरहाल में ना, बहुत ही खूबसूरत है दरहाल की। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री भी बना के डाली हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्री। तो मींस हर एक चीज़ मैंने वहाँ पे शो की हुई है जो अभी दरहाल में है, तो कुछ चीज़ें रह भी गई होंगी तो मुझे उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता होगा, क्योंकि मैं दरहाल से नहीं हूँ, बेसिकली धनवड़ी से हूँ। तो यार बहुत ही खूबसूरत जगह ना दरहाल, अब हो सकता है दरहाल में प्रोजेक्ट लगे
एक तो 18 किलोमीटर वाली रोड निकल जाए शक्कर मार्ग तक, तो फिर तो मज़े मज़े यार। बाइक कभी भी बंदा ले जा सकता है वहाँ पे, लेक्स देख सकता है, तो हो सकता है यहाँ पे गोंडोला भी लगे, गोंडोला का भी प्रोजेक्ट आ जाए मुझे लगता है। तो इस रोड पे भी आगे काम चल रहा है, यहाँ पे कुछ पुलियाँ बन रही हैं। देखो पहले कहाँ से होती थी तो अब कहाँ से पुली बनी है भाई, लगता है कुछ क्लोज तो नहीं कर दिया इन्होंने। सो फ्रेंड्स अभी हम पहुंच चुके हैं कसिया में, यार इतनी गंदी रोड थी ना क्या बताएं। यहाँ से कसिया से आगे थोड़ी सी ठीक आई है, नेटवर्क सारे डीले हो चुके हैं। तो यहाँ पे एक इन्होंने बनाया यार, पता नहीं 4 करोड़ रुपए की लागत से इन्होंने एक बनाया है ग्राउंड, क्योंकि इतना पैसा लगा भी है या नहीं वो मुझे पता नहीं है। जितनी भी फसल थी सब काट चुके हैं, धान की खेती, यहाँ पे धान की खेती बहुत ज़्यादा होती है तो वो तो काट चुके हैं। तो ये देख रहे हैं अब यहाँ पे घास कटाई और बांधने का काम शुरू है, क्योंकि अगर ये साथ साथ बांधता नहीं, एक जगह गट्ठा नहीं किया जिसको हम पहाड़ी में गरी कहते हैं, गरी नहीं ना की, तो बारिश पड़ने की वजह से ये सारा ख़राब हो जाएगा। जितना भी धान काटा ने इन्होंने छोटे छोटे से हाट बनाए, वो इसलिए बनाए ताकि पानी ऊपर से चला जाए नीचे, ये धान ख़राब ना हो और साथ में जितने भी परिंदे हैं ना वो ना इस धान को खा लें। तो ये देख रहे अभी 20 मीटर्स के लिए ही तैयार है। तो अभी हम हैं यहाँ पे रैकीबा में, रैकीबा के काफ़ी करीबी हैं, तो हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे रैकीबा में। तो भाई हम अपनी जो बाइक है ना वो ऊपर ही लगाएंगे। चलिए ऊपर वाली साइड ही चलते हैं, तो बाइक भी वहीं पे लगाएंगे। वहाँ पर हमें जाना है, वहाँ पे सामने उन घरों में जाना है। पहले के मुकाबले यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है। तो गाइस देख रहे हैं आप कितना ज़बरदस्त व्यू यहाँ पे, मज़ा ही आ गया भाई देख के, बहुत ही प्यारी जगह। दरहाल इसको क्या हो गया भैया, आराम से आओ, देखते हैं हमें बाइक कहाँ पे पार्क करनी है। सोनू भाई के वहाँ पे कर लेते हैं पार्क, देखते हैं सोनू भाई हैं या नहीं। अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे नदिया के एरिया में, सोनू भाई की शॉप खुली हो उम्मीद करता हूँ, वो शॉप तो खुली है। यहीं पे लगा देते हैं भाई, यह है सोनू भाई की शॉप है। सोनू भाई पता नहीं कहाँ चले गए, तो यहीं पे होंगे देखेंगे। तो ये देख रहे हैं अब ये है सोनू भाई की शॉप, भाई ये खा रहे अभी के लिए खाना, तो यहाँ पे अंदर बैठ के ठीक खाना चल रहा है, चलो खाओ भाई। तो अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे रैकीबा में, तो थोड़ी देर में हम वहाँ पे जाएंगे घर पे, बाइक को करेंगे यहीं पे पार्क। तो देखते हैं सोनू भाई कहाँ कहते हैं लगाने के लिए, ठीक है फिर।